गट से आया है, ये कैसा होगा देखिए। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एक दुख भरी कहानी। फ्लिपकार्ट से लैपटॉप ऑर्डर किया था, अभी अभी मुझे डिलीवर हुआ है। जो लैपटॉप मैंने ऑर्डर किया था आसूस रॉक का लैपटॉप था, कुरियर दिया, थैंक यू बोला, तो देखा कि ये सील, आप लोग देख रहे हैं ना, ये सील पूरा खुला हुआ था। मोबाइल में ड्यूर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो फोटो है, आप लोग देख पा रहे हैं ये फोटो। एक फ्लिपकार्ट वाला नहीं करता है या जो कुरियर वाला है वो करता है मालूम नहीं है। मैंने जब बोला कुरियर पर्सन को तो बोला कि वो लोग चेक करते हैं, तो देखिए ऊपर से ये दूसरा टैप लगा के रखा हुआ है यहाँ से। खुला हुआ है, रॉक का लैपटॉप है, लॉक रॉक स्टिक्स। ये लैपटॉप है, लैपटॉप ये थोड़ा ऐसे कोई काम का नहीं है, ये सब ऐसे एक टेप लगा के। ये देखिए सील, देखिए पूरा खुला हुआ है, निकल के बाहर आ गया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पूरा खुला हुआ है, उसे ऐसे दोबारा लगाया है उस लोगों ने, पूरा देख के मालूम चलता है। मतलब ये आप लोग देखिए, ये मैंने खोला एक बार, उसके बाद दोबारा ऐसे लगा लिया, तो देखने में सेम ही हुआ ना। रैप करके रखा हुआ है, देखने में अच्छा ही लग रहा है। लैपटॉप को साइड में रखते हैं। ये नोटबुक है पीसी का, तो ये रॉक का सर्जर है, तो गर्म हो रहा है। नहीं नहीं, रॉक का सर्जर है, पूरा सील है, ये सील है यहाँ पर, इसमें कुछ भी नहीं है। मैड इन चाइना 1,990,000। रॉक स्ट्रिक्स जी एडिशन। कैमरा फोकस करो, फोकस करो। रॉक का ब्रांडिंग लगा हुआ है यहाँ पर, टेप है, एक लफाफा का जैसे कूलिंग फैसिलिटी है जो साइड में दिया गया है। रॉक का जो रेड कलर है रहा है, लैंड केबल है, HDMI है, चार्जिंग का है, 3.2 हाई स्पीड USB दिया गया है। ये दो साइड में स्पीकर और ये LED लाइट। NVIDIA G4 GTX Core i5 9th जनरेशन। तो पहले उसे बूट करते हैं, तो ऑन नहीं होता है, चार्ज नहीं है, उसे चार्ज में डालना पड़ेगा। जब मैं प्लास्टिक लगा के रखा हुआ है, रेड लाइट चल रहा है, लाइट पर ब्लिंक हुआ। वाओ रॉक, अभी बूट हो रहा है। ये लाइटिंग देखिए, लाइटिंग लाइटिंग, वाओ क्या मस्त है। जस्ट अ मोमेंट। तो इंग्लिश, हाय देयर, आई एम कॉर्टाना एंड आई एम हियर टू हेल्प, अ लिटिल साइन इन हियर, अ टच ऑफ वाईफाई देयर, एंड वी विल हैव योर पीसी रेडी फॉर ऑल यू प्लान टू डू। यूज योर वॉइस और द कीबोर्ड अलोंग द वे, एंड इफ यू'd लाइक मी टू स्टे क्वाइट, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Yes. Voice. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? India. Do you also type with another keyboard layout? Which language do you want to use for your second keyboard layout? Windows 10 license agreement. तो इसमें मुझे मेरा नाम देना पड़ेगा। Two more across your TBT history. Do my best. These are the settings. Looking forward to helping out. Hi, we're getting everything ready for you. आ गया। Rock. ये rock आ गया। पूरा smooth है। पूरा smooth है। इसमें web camera नहीं है। SSD 256 होगा। 39.4. कनेक्ट किया तो अभी अपन नीचे में पॉपअप हुआ था, एड ए न्यू फीचर्स विंडोज से कुछ आया था, अभी हाइड हो गया ये। आसूस रिकमेंडेड मैक का फ्री रहता है। द ऑफिशियल पीसी पार्टनर ECL1, वी नीड योर हेल्प टू फिनिश एडिंग ए फीचर्स। फ्रॉम पहले डाउनलोड करता हूँ। प्रॉपर्टीज देखिए, इंटेल आर i5 9th जनरेशन, 8GB रैम, 7.86GB यूजेबल, चेक इट आउट। ये जो है साइड में भी स्पीकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी। कितना अच्छा साउंड है लैपटॉप का। रॉक रॉक लिखा हुआ है, रॉक केमार, रिपब्लिक ऑफ केमार। देखने में ऐसा लगता है कि ये पूरा दीप है। मैंने ऑर्डर किया तब सोचा था कि ये पूरा दीप है, लेकिन ऐसे डिजाइन किया गया है, ये दीप नहीं है, पूरा सीधा साधा ही है, केफ है। लेकिन आसूस ताप में जो मेरा था, आसूस का ब्रांडिंग लाइट ऑन होता था, लेकिन इसमें लाइट नहीं है ऑन। बैक साइड में भी है कूलिंग का बारकोड दिया गया है, कि है क्या है मालूम नहीं, एक हाथ से ही खोल सकते है, ऐसे रख लीजिए आप। तो अभी देखते हैं ये ऑन होने में कितना टाइम लगता है।
नौ दस ग्यारह बारह 12 सेकंड में ऑन हो गया। मेरा पहले वाला जो लैपटॉप है नंबर की है, दूसरा वाला जो लैपटॉप खरीदा न्यू पे स्पेशली ऑन ऑफ ऑन करने का, इसमें साउंड बनने का ये शॉर्टकट में दिया गया है। देखने में दोनों इतना सा ये बड़ा है, i7 का था वो i5 है था। ये दूसरा वाला ऑनलाइन से खरीदा हुआ है, ठीक है ऑनलाइन से, लेकिन तो ये पूरा सील था, मालूम नहीं वो मुझे देखने में तो सील ही लगा था ये भी। तो अभी जो ये है खुल के आया, दिल में धक धक होता है। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। तो अभी के लिए बाय।